हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से दोस्तों लगे होंगे। यहां पर दोस्तों जिस चीज के लिए आज मैं उपस्थित हुआ वो है टर्म वन का रिजल्ट। जी हाँ, सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 का टर्म वन का जो रिजल्ट है, क्या अब रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए या डिक्लेयर नहीं होना चाहिए? क्या आप सीबीएसई टर्म वन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं? क्या अब रिजल्ट का कोई फायदा होगा? क्या रिजल्ट आना चाहिए भी या नहीं आना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल दोस्तों हमारे मन में टर्म वन के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि जब से फर्स्ट टर्म जो एग्जाम हुआ है उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई जो आपका एग्जाम होगा उसके एक विद इन वन वीक जो है आप सभी के रिजल्ट जो है दे दिए जाएंगे। बट एग्जाम हुए दोस्तों महीने भर से ज्यादा समय, दो महीने से ऊपर का समय हो चुका है, बट अभी तक जो है सीबीएसई फर्स्ट टर्म का रिजल्ट नहीं आया है। सो हालांकि बहुत सारे न्यूज पोर्टल जो है दोस्तों, जी हाँ बहुत सारे न्यूज पोर्टल क्या कह रहे हैं कि 16 फरवरी, जहां 16 फरवरी यानी कल जो है सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 का जो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो 12 बजे और क्लास 10 का जो रिजल्ट है कल 10 बजे। और ये दोस्तों बहुत सारे न्यूज चैनलों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर ट्वीट भी किया है। तो क्या ये खबर सही है? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या सीबीएसई ने कुछ ऑफिशियल अपडेट दिया इस रिजल्ट को लेकर? तो आंसर है नहीं। सीबीएसई ने अपनी तरफ से किसी प्रकार कोई नोटिस जारी नहीं किया कि कल फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ये तमाम मीडिया चैनल जो लगातार सूत्रों के माध्यम से खबर दे रहे हैं कि भाई कल रिजल्ट आ जाएगा, इससे पहले भी इन चैनलों द्वारा लगातार अपडेट दिया गया कि भाई रिजल्ट आएगा 20 से फिर 20, 15 जनवरी, 14 जनवरी, फिर 20, फिर जनवरी लास्ट वीक, फिर फरवरी के फर्स्ट वीक, फिर जाके फरवरी के सेकेंड वीक। अब फरवरी का सेकेंड वीक भी जा चुका है। अब ऐसे में क्या 16 फरवरी का रिजल्ट आएगा, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि वास्तव में क्या सीबीएसई 16 फरवरी को रिजल्ट जारी करती है। मेरे हिसाब से दोस्तों अब इस रिजल्ट का कोई औचित्य नहीं है। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब रिजल्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी अब तो बहुत देर हो चुकी है। अगर अब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो ऐसे में बच्चे फर्स्ट टर्म के रिजल्ट को पहले से लगातार डिप्रेशन में है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है सेकंड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर जो 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीजें अब ना हो तो ही अच्छी है, क्योंकि अगर रिजल्ट आ जाता है और मान लो बच्चों के नंबर कम आते हैं तो इससे बच्चों का समय व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि बच्चे, हम जैसे जो छात्र हैं वो रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, बट जब रिजल्ट बहुत ज्यादा लेट होता है तो उत्सुकता है वो खत्म हो जाती है। वास्तव में जो उत्सुकता है वो समाप्त हो गई है। अब रिजल्ट आए या ना आए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, जो 26 अप्रैल से होने वाला है सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 का। तो ऐसे में अब आपका जो सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए अपने एग्जाम की तैयारी करना, रिजल्ट आ जाए तो अच्छा है, ना आ जाए तो अच्छा है। क्योंकि अभी ये है, ये अगर रिजल्ट आ जाता है तो मानो ऐसे छात्र जो होते हैं ना थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं हवाई नंबर कैसे कम है। ऐसे सोच सोच में जो है 3 से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन गुजर जाता है, और ये जो हफ्ता दिन गुजरेगा हमारे लिए बहुत हानिकारक हो, क्योंकि हमारी पढ़ाई इसमें खराब हो जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक है, ना आए तो कोई भी दिक्कत नहीं। अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए। और द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों हमेशा आप सभी के लिए तत्पर है। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एसएसटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। और हमारे चैनल पर दोस्तों हर प्रकार के नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको केवल और केवल क्या करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोग स्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।